Hello my dear students, welcome in my YouTube channel. So today in this video lecture I am going to tell you about insulin hormone. So in my last video I have discussed about the pancreas and which have three types of cells, alpha, beta and delta. So I told you that beta cells, they are going to secrete insulin hormone. So चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्या इंसुलिन का रोल है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो ये अमाउंट ऑफ शुगर जो हमारी बॉडी में अवेलेबल है उसको कंट्रोल करेगा। इट विल कंट्रोल अमाउंट ऑफ शुगर, कंट्रोल अमाउंट ऑफ शुगर अवेलेबल फॉर यूज इन बॉडी। और ये जो है वो कन्वर्जन करेगा, इट इंक्रीजेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। जब आपकी बॉडी में स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं टू द स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ये मसल्स और लिवर में स्टोर होता है, मसल्स एंड लिवर। दूसरी बात करते हैं तो ये इंक्रीज करता है अपटेक ऑफ शुगर इन वेरियस टिश्यूज एंड देयर बाय लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करेगा, अपटेक ऑफ शुगर को बहुत सारे वेरियस टिश्यूज में बढ़ाएगा और ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, ये ब्लड शुगर लेवल को लोअर करेगा। हाई ब्लड ग्लूकोज स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन। जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंसुलिन सिक्रीट होगा। ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा जैसे ही, वैसे ही इंसुलिन सिक्रीट होगा। क्यों सिक्रीट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्लूकोज जब ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा तो उसको हमें ग्लाइकोजन में स्टोर करना पड़ेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। प्रोटीन और फैट सिंथेसिस का जो रेट है, प्रोटीन and fat synthesis, it will increase the rate. And next point is it reduces the breakdown of fats and protein. It will reduce breakdown of fats and proteins. नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन की, दो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स। तो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर दैट इंसुलिन, कभी कभी इसका अंडर सिक्रीशन होगा। अंडर सिक्रीशन मतलब अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और ओवर सिक्रीशन में क्या होगा उसको तो थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो जो इंसुलिन है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जब ये अंडर सिक्रीशन होगा, अंडर सिक्रीशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इंसुलिन का जो लेवल है वो कम है, डाउन है, इंसुलिन लेवल इज लो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिजीज होगी जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। एंड इंडिविजुअल विद द डायबिटीज मेलाइटिस शोज फॉलोइंग सिम्टम्स। अब डायबिटीज मेलाइटिस में क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे कि उसकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन कम है इसलिए शुगर बढ़ता जा रहा है, वरना तो शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पे हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन क्रिएट होगी डायबिटीज मेलाइटिस में। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब, हाइपर का मतलब स्टूडेंट्स होता है ज़्यादा, और जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर की कंडीशन आ जाएगी। And there may be excretion of sugar by kidney and so the sugar appears in urine. कुछ क्या होगा, यहाँ पे sugar appear होने लगेगी यूरिन में और उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसूरिया। जब हमारी यूरिन में शुगर पास होगी, नॉर्मली जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी अब्सॉर्ब हो जाता है, बट इसका जो लेवल है वो नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करता है, तो एक्सीड जो हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में से,
और दूसरी चीज ये है कि पर्सन है वो काफी जब डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन आती है तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड देयर विल बी इंक्रीज थर्स्ट, लॉस ऑफ वेट, दीज ऑल आर द सिम्टम्स। बहुत ज्यादा सिम्टम्स कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस का मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी स्टूडेंट, उसको थोड़ा डिटेल में मैं कर दूंगी अपने लेक्चर को। ओवर सिक्रीशन की अगर हम लोग बात करें, जब ओवर सिक्रीशन होगा या ज्यादा इंसुलिन, ओवर सिक्रीशन का मतलब इंसुलिन ज्यादा है, जब इंसुलिन का अमाउंट ज्यादा है तो ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में है वो कम हो रहा है। इंसुलिन ज्यादा है इसका मतलब जो ब्लड शुगर है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो रहा है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। और इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम वेरी लो, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत लो हो जाएगा तो पर्सन कभी कभी कोमा में भी चला जाता है, और उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बोलेंगे। और इफ कोई भी डायबिटिक पर्सन अगर ओवरडोज ले लेता है इंसुलिन की, कभी कभी डाइट से नहीं कंट्रोल होता तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट को, तो वहाँ पे कभी कभी पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, और इस कंडीशन को हम लोग इंसुलिन शॉक भी बोलते हैं। जब वो पर्टिकुलर पर्सन इंसुलिन बहुत बॉडी में ज़्यादा हो गया है और उस कंडीशन को इंसुलिन शॉक बोलेंगे, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ही हो रहा है ये इंसुलिन शॉक। और पर्सन में सडनली परस्पायर लॉट, यहाँ पे जो पर्सन है वो परस्पिरेशन करेगा, परस्पायर करेगा, परस्पायर लॉट एंड कोलैप्स, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड इमीडिएटली एंड देयर आर वेरी basic measure that you can give that person is sugar or candy, sweet candies, toffees, whatever you want to give. So this is all about the over secretion of insulin and under secretion of insulin. So students, I will post my next video on diabetes mellitus, because I want to discuss about two types of diabetes, type 1 and type 3. Type 1 is insulin dependent and type 2 is non-insulin dependent. And I will upload a separate video on glucagon. Then we will have a comparative view of hypoglycemia, hyperglycemia, glucagon and insulin. Then we will move towards next topic, that is thyroid gland. So this is all about insulin students. So I hope this video is very useful for your studies and for your understanding also. So if you like this video, please hit the like button and please share and subscribe to my channel and share with your friends. Thank you my dear students. I hope we will meet soon with a new video. Bye bye. Take care all of you.